ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर के विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर बिजली के ट्रांसफार्मर पर गिर पड़ा। इसके बाद कई घरों में करंट फैल गया। वहीं एक दुकान पर बैठी महिला और उसके परिवार के दो लोग एक एक करके करंट की चपेट में आ गए। पड़ोसियों की मदद से सभी करंट से प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खास बात यह है कि घंटों बाद भी अधिकारियों को मामले की जानकारी नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस और प्रशासन से घटना की शिकायत की, इसके बाद पुलिस अस्पताल में करंट से प्रभावित लोगों का हालचाल जानने पहुंची। दरअसल मामला उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के कोटेश्वर कॉलोनी में माता के मंदिर के सामने की रिहायशी बस्ती में सामने आया है। क्या नाम है आपका? हरिमोहन राठौर। क्या घटना हुई थी? क्या ऐसे डीपी हाई टेंशन लाइट का तार टूट गया, डीपी में चिपक गया, डीपी ब्लास्ट हुई तो उसका करंट पूरे उसमें मोहल्ले में आ गया। तो इनके घर में दुकान है, तो जो बैठी थी वही मशीन थी छोटी सी पपड़ी की, तो उनने जैसे ओवन टाइप का, तो उनने हाथ जैसे ही लगाया उसी पीरियड में करंट आना हुआ, तो ये झिलझिलाने लगी। उतने में उनकी बहू आ गई, उतर गई, उनने कही चाय देने आई, तो उनने भी हाथ लगाया, वो भी चिपक गई। लड़का आया तो वैसे तीन जने चिपक गए, तो जल गए पूरे तरिया बताऊँ, और बहुत काफ़ी नुकसान भी हुआ उसमें, दुकान में भी आग लग गई है। ये घटना हुई थी कौन सी जगह की घटना? ये कोटेश्वर मंदिर के वहाँ पर काली माता मंदिर है, उसके जेट सामने है। सामने ही। क्या क्या नाम है इनके? कौन? इनका नाम पुष्पा देवी है, उनके लड़के का नाम है राजेंद्र राठौर, उनकी बहू का नाम है गायत्री राठौर। लगभग कितने घरों में करंट फैला था? करंट तो फैला हो कम से कम 20-25 घरों में, पर किसी का फ्रिज किसी का कुछ जल गया। मतलब लगभग कितना क्या नुकसान हुआ? अब तो अंदाज बता नहीं सकते अपन। अभी कैसी स्थिति है? अभी तो ठीक है, नॉर्मल। अभी इलाज चल रहा है और देखो रिपोर्टें आ जाएंगी तब बताएंगे।